90 साल के हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह आज यानी 26 सितंबर को अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सोमवार को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है, साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई, उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करता हूं। 1990 के दशक में आमूलचूल आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मशहूर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी मनमोहन सिंह को जन्मदिन पर बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत के बेहतरीन राजनेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई। उनकी विनम्रता, समर्पण और भारत के विकास में योगदान जैसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर अपने शुभकामना संदेश में कहा, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूं। विदेश मंत्री के अलावा विभिन्न दलों के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक बतौर प्रधानमंत्री के पद पर रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह को देश में आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी और सरकार के दौरान बजट में एक के बाद एक आधुनिक भारत और देश में आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के रोडमैप की नींव रखी थी। मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर, वित्त मंत्री जैसे पदों पर भी रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को हुआ था, जो अभी पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। मनमोहन सिंह ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की थी, साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए थे।